नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज दिन की कुछ खास खबरों पर। विद्यार्थियों के लिए 21 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए स्कूल्स को 21 सितंबर तक दोबारा बंद कर दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन सेल की ओर से सोमवार शाम इस बाबत लिखित निर्देश जारी कर दिए गए। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से सरकार ने एक और सप्ताह तक विद्यार्थियों को स्कूल में नहीं बुलाने का फैसला किया। शिक्षक पहले की तरह स्कूल्स में आकर ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे। पुराने आदेशों के तहत विद्यार्थियों के लिए स्कूल्स को 14 सितंबर तक बंद रखा गया था। मंगलवार को 9वीं से 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षाओं का आखिरी दिन है। प्रदेश में होने जा रही हैं 1334 कांस्टेबल पदों पर भर्तियां, जाने कब तक किया जा सकता है आवेदन। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग 1 अक्टूबर से 1334 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की शुरुआत करने जा रहा है। इस भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। इस ऑफिशियल अधिसूचना के अनुसार भर्ती में 1 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी, जो कि अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपी पुलिस SI भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सफलता द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल SI बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। युवकों को कुचलने वाला HRTC चालक सस्पेंड। राजधानी शिमला में बीते रविवार को टूटी कंडी बस अड्डे के समीप बाईपास पर HRTC बस से 2 युवकों को कुचलने वाले चालक को निगम प्रबंधन ने सस्पेंड कर दिया। रविवार को हादसे में घटना को अंजाम देने के बाद से चालक फरार हो गया था, लेकिन शाम को ही पुलिस ने फरार चालक को पकड़ लिया था और चालक के खिलाफ आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। पुलिस की प्राथमिक जांच में पाया गया था कि चालक नशे की हालत में था। वहीं निगम प्रबंधन ने भी इसकी पुष्टि की कि चालक नशे की हालत में बस चला रहा था। ऐसे में निगम ने एक्शन लेते हुए चालक को सस्पेंड कर दिया है।